देखो देखो ये वीडियो रे माने कोन कहबा ना ईसीसी 1 रो आमे जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होटे ताको आमे करया पई जाउछु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु देखबा गोले बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण होटे ई क्वेश्चन खाद्य श्रृंखला संपर्क रे खाद्य श्रृंखला कहिले कोन बुझो प्रथमे खाद्य श्रृंखला रो हेडिंग दे देबे सब हेडिंग देला परे कोन करबे ना एटा को देला परे नंबर 1 पॉइंट रे लिखिबे कोन लिखिबे खाद्य श्रृंखला गोटे परिसंस्थार घटना क्रम को बुझाए जोठारे गोटे जीव अन्य जीव को खाए एवं परे से ही जीव अन्य एक बृहत जीव द्वारा ग्रासित हुए विभिन्न ट्रॉफिक स्तर रे पोषक तत्व एवं शक्ति प्रवाह गोटे खाद्य श्रृंखला सृष्टि करे एमती लिखिबे तापर दु नंबर पॉइंट लिखि रखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट अटे खाद्य श्रृंखला माध्यम रे गोटे परिसंस्थार खाद्य उत्पादक ठारू प्राथमिक भक्षक ठारू द्वितीय भक्षक द्वितीय भक्षक ठारू तृतीय भक्षक तृतीय भक्षक ठारू शीर्ष भक्षक शेष रे अपघटक मानक पाखकु जाई थाए कि नहीं जाई थाए तो ये जिनस को मन रखे खाद्य श्रृंखला माध्यम रे गोटे परिसंस्थार खाद्य उत्पादक ठारू प्राथमिक भक्षक पाखकु जीव तापर प्राथमिक भक्षक ठार द्वितीय भक्षक पाखक जीव तापर तृतीय भक्षक पाखक जीव तापर शीर्ष भक्षक पाखक जीव तापर शेषरे अपघटक मानक पाखक जाईथे ठीक अछि तो एबे कोन करबा ना हेडिंग दे देबा उत्पादक खाद्य श्रृंखला रे एहा हेउछि प्रथम पर्याय उत्पादक हेउछि खाद्य श्रृंखला रे प्रथम पर्याय तो उत्पादक माने खाद्य श्रृंखलार प्रथम स्तर गठन करती उत्पादक माने सूर्य ठार शक्ति व्यवहार करी खाद्य प्रस्तुत करती उत्पादक माने निजस्व खाद्य प्रस्तुत करथिवार या को कोन कहा जाए ऑटोट्रॉफ कहा जाए मन रखिबो बहुत बहुत इंपोर्टेंट अटे ठीक अच्छे तो उत्पादक माने जे कोनसी उद्भिद किंबा अन्यन जीव जहा कि आलोक श्लेषण माध्यम निजस्व पोषक तत्व उत्पादन करथंती को माने उत्पादक माने तापर लिखिदेव सब हेडिंग देदेव उपभोक्ता तो उपभोक्ता मानू हेटेरोट्रॉफ मध्य कहुए कौन कह जाए हेटेरोट्रॉफ मध्य कहुए मन रखी वो ठीक अच्छे आए माने ऑटोट्रॉफ द्वारा उत्पादित खाद्य खाती कौन कर ऑटोट्रॉफ द्वारा उत्पादित खाद्य खाती तो उपभोक्ता आउ कौन कहुए हेटेरोट्रॉफ कहुए इटा को मन रख आ उपभोक्ता समस्त जीव जहाँ कि खाद्य पाई उद्भिद किंबा अन्य जीव उपरे निर्भर करी थे उपभोक्ता तो आमको मन रखा पड़ो यह गोटे खाद्य जाली रो सबुठारु बड़ अंश कहीं प्राय समस्त जीवजंतु रही था शाकाहारी अंतर्भुक्त जहाँकि उद्भिद खाऊथिबा प्राणी होची शाकाहारी तापर मांसाहारी रही एथिरे मांसाहारी माने प्राणी मान खाई थांती ठीक अच्छे केवल प्राणी मान को हत्या कर खाई थांती मांसाहारी माने जमीती कि बिराड़ी हो गला बिराड़ी बाघ हो गला ये गुड़िक आ सर्वाहारी उभय उद्भिद आ पशु मान को खाई थांती जमीती कि मनीष हो गला घर चटिया ये गुड़िक तो जदि आम देखा अपघटक तापर हेडिंग दे देव अपघटक कौन लिख साप्रोट्रॉफ मध्य कहुए कौन कहुए ये साप्रोट्रॉफ मध्य कहुए लिखिदेव ये साप्रोट्रॉफ मध्य कहुए अपघटक हेउची जीव जहाँ कि मृत किंबा जैव पदार्थ रु वर्ज्य वस्तुर शक्ति पाई थाए जोठार शक्ति पाई थाए मृत किंबा जैव पदार्थ रु ई वर्ज्य वस्तुर शक्ति पाई थाए अपघटक आ खाद्य श्रृंखलार यह हूँ शेष पर्याय अपघटक अपघटक गुड़िक गोटे खाद्य श्रृंखलार गोटे अविच्छेद्य अंग जेहेतु से मैंने जैव वर्ज्य वस्तु को अजैविक पदार्थ परिणत करती जहाँ माटी किंबा जमी को पुष्टिकर पदार्थ समृद्ध तो इतनी लिखा पड़ो तापर आम परवर्ती क्वेश्चन पचार वायु प्रदूषण कुप्रभाव गुड़िक लेख तो वायु प्रदूषण कुप्रभाव को लिखापी पड़ो तो नंबर 1 पॉइंट लिखिदेव
वायुमंडल अधिक अंगारकाम्ल सृष्टि हेले जीवजगत मृत्यु मुखर पड़ी थाए। दुई नंबर पॉइंट लिखिद वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण अम्ल वृष्टि प्रधान कारण अटे। यह पनीपरिया पत्र को रोगाक्रांत कर दिए आ धातव क्षय हुए। तापर तीन नंबर पॉइंट लिखिदेव सूता लुगा आ सार कारखानु निर्गत गैस द्वारा काश श्वास जखमा चक्षु आदि रोग होता है। जानवाहन ईंधन संपूर्ण दहन को निर्गत मोनोक्साइड द्वारा रक्तर हिमोग्लोबिन कार्बेक्सी हिमोग्लोबिन में परिणत हो हृदय रोग कराई थाए। तापर आहरी लिखिदेव वायु प्रदूषण विभिन्न दुसाध्य रोग कारण हो मनुष्य को मृत्यु मुखर पकाई थाए। देख मन रख बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे। तापर लिखि रखु मृत्तिका प्रदूषण को रोकवाई कौन कौन पदक्षेप नापी पड़ो। जदि आमको एमती टाइप क्वेश्चन आस मृत्तिका प्रदूषण संपर्क तेल आम मैंने कौन कर मृत्तिका प्रदूषण संपर्क प्रथम सब हेडिंग दे दिंतु। प्रथम कौन कर सब हेडिंग पुनः चक्रण नंबर वन नंबर वन पॉइंट पुनः चक्रण अव्यवस्था आवर्जना द्रव्य गुड़ी पुनः चक्रण व्यवस्था द्वारा कार्यक्षम करा जीव आवश्यक। तापर कंपोस्ट खत प्रस्तुति जैव विश्लेषित विभिन्न धरण पदार्थ गुड़ी को पृथक कर कंपोस्ट खत प्रस्तुत करवा आवश्यक ठीक अच्छे। तापर तीन नंबर सब हेडिंग दे दिंतु। तापर लिखि दिंतु सब हेडिंग लिखे जैविक कीटनाशक व्यवहार तो ये चाष जमी गुड़िकरे रासायनिक कीटनाशक औषध प्रयोग बदल जैविक कीटनाशक व्यवहार करवा आवश्यक। तापर लिखिदेव तेजस्क्रिय आवर्जना पोतवा एमती लिखिदेव। तापर लिख विभिन्न तेजस्क्रिय आवर्जना संपूर्ण को अतीब जत्न सहित गभीर गात कर पोतवा आवश्यक। तापर जनसचेतनता सृष्टि मृत्तिका संरक्षण रोकवापी शिक्षा व्यवस्था विज्ञापन प्रचार इत्यादि माध्यम रे जनसचेतनता सृष्टि करवा निहाती दरकार। तापर लिखिदेव गैसीय आवर्जनार विश्लेषण विभिन्न गैसीय आवर्जनार वैज्ञानिक उपाय अवलंबन कर विश्लेषण करवा आवश्यक अटे। तापर घास गछ आ वृक्षरोपण मृत्तिका प्रदूषण को रोकवापी विभिन्न वृक्ष आ घास गछ रोपण करवा आवश्यक। तापर जबक्षार जान चक्र संबंध में आलोचना कर प्रथम हेडिंग देदेव जबक्षार जान चक्र तो जबक्षार जान प्रत्येक उद्भिद प्राणी मानकर शरीर गठन आउ विभिन्न जैव रासायनिक पदार्थर प्रस्तुति एवं जीव मान शरीर में अहरह संगठित होता विभिन्न जैविक प्रक्रिय यहाँ व्यवहृत होता है जबक्षार जान। तो जबक्षार जान चक्र जदि हम देखिए वायुमंडल जबक्षार जान परिमाण के 78% रही। तो जबक्षार जान चक्र नंबर वन पॉइंट लिखिदेव वायुमंडल रही जबक्षार जान गैस को सीधा सड़क कौन सी उद्भिद व प्राणी मैंने व्यवहार करती ना केवल नीलहरित शैवाल एवं केतेक प्रकार जीवाणु यह जबक्षार जान विबंधन प्रक्रिय व्यवहार कर नाइट्राइट आउ नाइट्रेट रे परिणत करती तेणु यह जैविक विबंधन कह जाए। तो जदि आमको क्वेश्चन दिया जाबो जे जैविक विबंधन क्या कह जाए ताले एतकी लिखिदेवे वायुमंडल में रही जबक्षार जान गैस को सीधा सड़क कौन सी उद्भिद व प्राणी मैंने व्यवहार करी न था केवल नीलहरित शैवाल एवं केतेक प्रकार जीवाणु यह जबक्षार जान विबंधन प्रक्रिय व्यवहार कर नाइट्राइट आउ नाइट्रेट रे परिणत करती तेणु यह जैविक विबंधन कह जाए। तापर यही नाइट्राइट
बा नाइट्रेट को उद्भिद माने शोषण कर व्यवहार करी थांती जहाँ फल जवक्षारजान जीवजगत प्रवेश करी थाए। वायुमंडल हेउछि जवक्षारजान रो मुख्य भंडार बिजुली जोगु जवक्षारजान नाइट्रेट नाइट्राइट आदि प्रस्तुत होइथाय एवं बीजाणु द्वारा नाइट्रेट आउ नाइट्राइट सबु नाइट्रेट रे परिणत होइथाय सबु नाइट्रेट रे परिणत होइथाय। आ प्रत्येकटि उद्भिद नाइट्रेट को ग्रहण करिथाय आ खाद्य स्तर दे इहा प्राणी रो शरीर रे पहुंची पारिथाय। तापर प्राणी आउ उद्भिद मानकर मृत्यु परे अपघटन क्रिया द्वारा एमोनिया उत्पन्न होइथाय। कोन उत्पन्न होइथाय एमोनिया आउ रक्त एमोनिया नाइट्राइट बीजाणु ई बीजाणु द्वारा नाइट्रेट रे परिणत होइकि शेषरे नाइट्रेट होइथाय। एटाक मन रखिब तो प्राणी आउ उद्भिद मानकर मृत्यु परे अपघटन क्रिया द्वारा कोन उत्पन्न होइथाय एमोनिया उत्पन्न होइथाय आउ रक्त एमोनिया नाइट्राइट बीजाणु द्वारा नाइट्रेट रे परिणत होइ शेषरे नाइट्रेट होइथाय शेषरे नाइट्रेट होइथाय। और जवक्षारजान बीजाणु द्वारा नाइट्रेट जवक्षारजान गैस रे परिणत होइ वायुमंडल रे मिसी थाय। आ मन रखिबो अग्निगिरी उद्गीरण समय रे किछि परिमाण रे जवक्षारजान वायुमंडल रे प्रवेश करि थाय आ एहि परि वायुमंडल रे सर्वदा सबुबेले जवक्षारजान परिमाण स्थिर रहुथिबारु याकु जवक्षारजान चक्र कहा जाय थाय। इतकी ही मन रखा पड़ो। तापर लिखि रखिए वन्य संरक्षण आईन 1980 ये विषय आलोचना कर जदि पचार जंगल संरक्षण आईन के भी कार्यकारी होता है उत्तर कौन कर 1980 कहीदेव तो जंगल संरक्षण आईन 1980 प्रथम हेडिंग दे दिंतु तो जंगल गुड़िक आम जीवन पर बहुत ही गुरुत्वपूर्ण से माने आमको विभिन्न प्रकार मूल्यवान संबल जमीक अम्लजान बचवा बसती कंचामाल आमोददायक गुणवत्ता जीवन जापन करने जगई था। तथापि मनीष मैने द्रुत गतिर जंगल को नष्ट कर चली जंगल प्रत्येक मनीषर अमानवीय निष्ठुर अभ्यास को प्रतिहत करने भारत सरकार द्वारा भारतीय जंगल संरक्षण अधिनियम बा जंगल संरक्षण आईन 1980 मसीह कार्यकारी करागला। तो जदि आमको क्वेश्चन दिया जाए तो यटा को मन रखला जंगल संरक्षण आईन के कार्यकारी होता 1980 मसीह तो जंगल संरक्षण पर संविधान बाध्यबाधकता कौन कौन रही टे मन रखा तो 1950 रे भारतीय संविधान गृहीत होता के 1950 मसीह भारतीय संविधान गृहीत होता जिते बेले धारा 48 ए राज्य निर्देशक नामा नियमर विभाग एवं धारा 51 ए युक्त हो प्रत्येक भारतीय नागरिकों मौलिक कर्तव्य भाव संविधान 42वां संविधान संशोधन आईन 1976 पारित होला। तो इटा मन रखिब जे संविधान रे 42वां संविधान संशोधन आईन केबे पारित होला 1976 कहि देबो। तो धारा 48 कौन कहे धारा 48 ए कौन कहे धारा 48 ए रे कौन उल्लेख हो रही मन रखिब धारा 48 ए अनुजाई आम देश जंगल सुरक्षापाई परिवेश सुरक्षा एवं उन्नति पाई राज्यगुड़ी को आईन प्रणयन करवा आवश्यक। धारा 51 ए जी रे उल्लेख अछि जे प्राकृतिक परिवेश विशेषतः देशर जंगल रु परिचालना आ उन्नति प्रत्येक भारतीय नागरिकों दायित्व अटे बोली लिखा अच्छी धारा 51 ए जि रे आर उद्देश्य कौन यार उद्देश्य हूँ परिवेश आम देशर जंगल को सुरक्षा देवा तापर जंगल उद्भिद गुल्म एवं जीवजंतुर उत्पादन गुड़ी को बचाइवा जंगल जमीर अखंडता परिसीमा को सुरक्षा देवा तापर जंगल जैव विविधतार ध्वंस साधन को एड़ाइवा तापर जंगल जमीर जंगल जमीर चाष जमीर जंगल जमीर चाष जमीर परिवर्तन करवा
इथिरे एमती लिखिबे आपण जंगल जमी को चाष जमि रे परिवर्तन करिबा किंबा चारण जमि गुड़िक निर्माण को एड़ाइबा एमती लिखिबे। ठीक अच्छे जंगल जमी को चाष जमि रे परिवर्तन किंबा चारण जमि गुड़िक निर्माण को एड़ाइबा तापरे प्रथमे संघीय सरकारको अनुमति बिना राज्य सरकार एवं अन्य कोनोसी कर्तृपक्ष को निर्दिष्ट क्षेत्र रो निष्पत्ति नेबा पई अनुमति नाही। एही अधिनियम रो प्रावधान गुड़िकर उल्लंघन मध्य आईन अनुजाई दंडनीय अटे। इटा को मन रखिबो। तापरे जंगल संरक्षण एवं अन जंगल व्यवहार उपर कोन कोन कटकणा लगा जाइछि ए संपर्क में मन रखिब। तो प्रथम कौन लिखिब विभाग दुई बा धारा दुई लिखिब। तो धारा दुई रे कौन उल्लेख अछि एही धारा रे विभाग दुई जदि हम देखिब धारा दुई रे राज्य सरकार एवं अन्य कर्तृपक्ष को संघीय सरकार स्वीकृति बिना निम्नलिखित अंचल गुड़िक आईन प्रणयन बारण करे आईन प्रणयन बारण करे। तो कौन कौन आईन द्वारा संरक्षित राज्यर कौन से जंगल असंरक्षित परिवर्तन करी पारिबे नहीं आउ जंगल जमीर गोटी अंश अन जंगल उद्देश्य रे व्यवहार करी पारिबो नहीं। धारा तीन कौन कहे धारा तीन अनुजाई जंगल संरक्षण संबंधी विषय उपर परामर्श देवाई उपदेष्टा कमिटी गठन पाई केंद्र सरकार को अधिकार रही है धारा तीन रे। तापरे धारा तीन को विभाग तीन को धारा तीन को रे कौन रही 1988 रे परिवर्तन यही विभाग तीन को अंतर्भुक्त कर धारा तीन को अंतर्भुक्त कर। तो यही धारा अनुजाई यही विभाग अनुजाई धारा दुई रो आईन को कौनसी व्यक्ति जदि उल्लंघन करे किंबा कौनसी आईन उल्लंघन कारी को साहय करे तेबे ताकु 15 दिन पर्यंत कारदंड भोगिबाकु पड़िब बोली एथिरे उल्लेख होइक रहिछे विभाग तीन करे। तो विभाग तीन खरे कौन रही विभाग तीन ख अनुजाई जिते बेले एवं जेउठारे कौनसी सरकारी विभाग सरकारी नियम मुख्य कौनसी कर्तृपक्ष परिचालन रे दायी थिबा कौनसी व्यक्ति को द्वारा अपराध हुए तेबे से मानको दोषी बोली धरा जीव बोली कोथरे लेखा अछि विभाग तीन ख रे लेखा अछि। आ विभाग चारि रे कौन रही विभाग चारि रे अछि जे एही आईन द्वारा स्थानित नियम कार्यकारी करिवार अधिकार संघीय बा केंद्रीय सरकार रो अछि बोली उल्लेख होइके रहिछि। आ कोनोसी आईन कार्यकारी हेबार 30 दिन पूर्वरु संसदर उभय गृह रे उपस्थापन हेबा उचित बोली लेखाइछि विभाग चारि रे। तो ई जिनिस को मन रखिबा पई पड़िबो। सो बर्तन पई एतिकि भिडियो टि केमिति लागिला आपण मैंने मतामत जानवे। सो थैंक यू सो मच।